अच्छा घूमने का प्लान बन रहा है। हाँ नहीं 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 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगी। हाँ नहीं मम्मी जी तो मुझे कहीं जाने के लिए मना ही नहीं करती कभी। हाँ मैं आ जाऊंगी। नहीं मैं इस घर से अगर कहीं चली जाऊँ ना, इस घर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मम्मी जी एक दिन के लिए कहीं चली जाए ना, काटने को दौड़ता है ये घर मुझे। मम्मी जी वो ना इनके ना कुछ दोस्त आ रहे हैं, इन्होंने मुझे फोन करके बताया था, तो इन्होंने बोला था कि ना आज का खाना ना बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो आपको तो पता ही है मैं इतना अच्छा खाना बना नहीं पाती हूँ, तो मैंने बोल दिया है कि ना मम्मी जी आज का खाना बनाएंगी। क्यों, आप तो मुझसे ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो ना, इसलिए। क्योंकि मम्मी जी जो आपके हाथों में टेस्ट है ना, वो मेरे हाथों में कहाँ, मैं तो इतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ जितना आप अच्छा बना लेते हो। तो मैंने बोल दिया है उनसे कि आज का खाना तो मम्मी जी ही बनाएंगी। क्यों मम्मी जी, सही बोला ना। मम्मी जी मैं ना घर की सफाई कर रही थी, तो अचानक से ना मेरे दिमाग में एक ध्यान आया ना कि मुझसे तो अच्छे से सफाई होती ही नहीं है, और मम्मी जी आप बोलती थी ना कि हमारे जमाने में मैं इतनी अच्छी सफाई करती थी कि पूरे घर शीशा सा चमकता था। बस मम्मी जी आज ना आपको वही सिखाना है मुझे, आप पूरे घर की सफाई करते जाओ, मैं आपको देखते देखते सीखती जाऊंगी कि आप कैसे चमकाते हो घर। जैसे आप मम्मी जी चमकाती हो ना घर को, ऐसे तो कभी मेरी मम्मी ने भी नहीं चमकाया घर। इसलिए ना बस आप सफाई करते जाओ, मैं आपको देख देख के सीखती जाऊंगी। मम्मी जी वो ना अभी अभी जस्ट अभी अभी ना दीदी का फोन आया कि मैं कुछ दिन ना घर पे रहने के लिए आ रही हूँ, तो मैंने भी अपनी मम्मी को यूं ही फोन कर दिया कि मम्मी मैं भी घर पे रहने के लिए आ रही हूँ। वो क्या कहते हैं ना, आपको भी तो कुछ समय मिलना चाहिए ना अपनी बेटी के संग टाइम स्पेंड करने का। मम्मी जी वैसे तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे को मुझे ना आपकी इतनी याद आएगी ना, इतनी ज्यादा याद आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी जी मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मम्मी जी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन अब मम्मी जिद पे अड़ गई कि तुझे आना ही पड़ेगा, तो मम्मी जी मुझे जाना ही पड़ रहा है।